हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम, नमस्कार। मायसेल्फ हित अभिलाषी शर्मा, आई एम अगेन हियर फॉर योर जानकारी हित ऑन माय चैनल जानकारी हित फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज ए ओपनिंग जर्नल एंट्री विच क्रिएट सम लिटिल बिट प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स जस्ट हु आर फ्रेशर्स। ओपनिंग जर्नल एंट्री क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले बात की जाएगी कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बैलेंस शीट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जिसके बैलेंसेस को लेकर हम ओपनिंग जर्नल एंट्री डालते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात की जाएगी। लेट्स मूव अहेड विद मी टू मेक आवर वे वेरी इजी। Yes, students, before going towards our today's topic, one thing should be clear to all of us. I have many videos on this channel, Jankari Hit, for your knowledge, for your Jankari. If you have any concern about the basic contents of accountancy, then you can see the video under the title A5, A7, A8, A9 and many more. Till now, I have issued almost 14 videos regarding accountancy for the beginners, specifically the students who belongs to plus one class. इतना मुझे लगता है आप सबको क्लियर होगा कि अब तक हमने डबल एंट्री सिस्टम में दो टाइप के रूल किए, एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट है, और दूसरा इक्वेशन बेस्ड सिस्टम है जिसमें हमने अकाउंट को पांच हिस्सों में बांटा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इक्विटी एंड रेवेन्यू। अगर इनके बारे में आपके मन में कोई कंसर्न है, जर्नल एंट्री कैसे डालते हैं, वो टाइम उस सबको जानने के लिए आप पीछे जो जितनी भी वीडियोज हैं उनको देखो, और आज का जो कंटेंट है हम उसकी ओर बढ़ते हैं। उस कंटेंट को जानने से पहले हमें एक बात सभी को पता होनी चाहिए, वो क्या है। यस, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस टू अंडरस्टैंड द ओपनिंग एंट्री इज फाइनेंशियल ईयर। वित्तीय वर्ष क्या होता है भाई? द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इनकम इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर और ऑफ फिस्कल ईयर। अकाउंटिंग मतलब जिसमें हम बिजनेस का हिसाब तब रख रहे हैं, उस वर्ष को, उस सारे ईयर को, उस पीरियड को जिसका हमने हिसाब तब रखा है, उस ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर कहते हैं। फॉर जैसे इंडिया में फ्रॉम 1st अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर 31st मार्च इज नॉन एज द फाइनेंशियल ईयर। हमारे देश में ना, जैसे आप सबकी जो स्कूलिंग का जो सेशन होता है फ्रॉम 1st अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर के जो 31st मार्च होता है, तब तक के जो 12 महीने हैं उसको हम स्कूल का सेशन मानते हैं। सिमिलरली इन इंडिया द फाइनेंशियल ईयर इज आल्सो इन सेम वे। हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वित्तीय वर्ष, वो ध्यान रखा जाए 1st अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के 31st मार्च तक होता है। दूसरे देशों में अलग अलग हो सकता है, बहुत से कंट्रीज में एक बात ध्यान रखो 1st जनवरी से लेके 31st दिसंबर तक होता है, ये अलग अलग हो सकता है, बट हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष का मतलब ये है। ये बात कंपल्सरी रखना। तभी जब मैंने लिखा फाइनेंशियल इज द पीरियड बिटवीन 1st अप्रैल एंड 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज द ईयर दैट वी कैन से द 12 मंथ्स। During these months, we earn income, we have record of our accounting transactions in a business. समझ लगा ये बातें? Next आइए। Next, अगर हमने opening entry को समझना, एक थोड़ी सी introduction जरूरी है भी balance sheet की देनी। जानता हूँ जब हम journal कर रहे हैं तो balance sheet काफी आगे आने वाले topics में है, लेकिन अगर हमने ओपनिंग एंट्री समझनी है तो थोड़ा सा इसके बारे में पता हो। बिजनेस में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज वाली, इसके बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा लेजर का, ट्रायल बैलेंस, फिर बैलेंस शीट बनती है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, साल के एंड में, जो वित्तीय वर्ष है उसके एंड में। उसमें क्या होता है, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है। आपको थोड़ा सा बता दूं, अभी इतना क्लियर नहीं होगा, जब आप वो कर लेंगे ना फाइनल अकाउंट, सब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी टाइप के खर्चे वगैरह होते हैं, इनकम होती है, वो सब के सब जिस साल के हैं उस वहीं पर खत्म।
लेकिन जो बैलेंस शीट में बैलेंसेस होते हैं वो बिजनेस के साथ साथ आगे भी चलते हैं, ये ध्यान रखा जाए। अब तक जो हमने जर्नल एंट्रीज की हैं वो ऐसे होता था कि ही और शी स्टार्टेड द बिजनेस। अब भी बिजनेस हर साल थोड़ी शुरू होगा, बिजनेस का दूसरा साल भी आएगा, तीसरा भी आएगा, और जिस बिजनेस का जो पिछले बैलेंसेस पड़े हैं, जो पिछला हिसाब होता है, वो खत्म तो नहीं होता, वो भी तो आगे आएगा। वो बैलेंसेस कहाँ पर जाते हैं फिर? उसके लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट कहते हैं। कभी ध्यान से देखो, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज अ फर्म्स बिजनेस और कंपनीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। एक स्टेटमेंट है जिसमें बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी दिखाई जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, और ये बैलेंस यहाँ पर साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में दिखाए जाते हैं उस वर्ष के। ठीक, एक बात ध्यान रखना, जो 31 मार्च को किसी बिजनेस के क्लोजिंग बैलेंस हैं, वही बैलेंसेस जो बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं 1 अप्रैल को बिजनेस के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं, ये ध्यान रखना। बैलेंस शीट से ही वो बैलेंस हमें पता चलते हैं। बैलेंस शीट का एक परफॉर्म है आपकी जा ये है बैलेंस शीट का एक परफॉर्म है, इसको ध्यान से देखो, आपकी जानकारी के लिए है। ये बैलेंस शीट में जो लेफ्ट साइड होती है वहां पर सारी लाइबिलिटीज दिखाते हैं, जैसे यहां पर दिखाया है कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन, और भी बहुत से हो सकते हैं। यहाँ पर बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं जो हमने देने हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं, ये सब के सब लाइबिलिटीज साइड। और जो राइट हैंड साइड होती है वो एसेट साइड, इसमें सारी की सारी बिजनेस की जो संपत्तियां हैं, कैश, बैंक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग एंड मैनी मोर, हम सब के सब इस साइड दिखाते हैं एसेट साइड। ये बैलेंस शीट आपकी समझने के लिए, आप ध्यान से देखें, बैलेंस शीट का लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल बराबर, हमें पता है डबल एंट्री सिस्टम है, इफेक्ट बराबर पड़ता है तो टोटल भी बराबर आएगा इनमें। ठीक, अब इन बैलेंसेस की बात कर रहा था, ये बैलेंस शीट किसी फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट को बनाई गई है, जैसे इंडिया में 31 मार्च को, तो ये सारे के सारे जो बैलेंस हैं ये नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। इन बैलेंसेस को लेकर ही तो ओपनिंग जर्नल एंट्री बनती है, इसलिए बैलेंस शीट को समझना जरूरी था कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है आते कहाँ से हैं, ये पिछले साल की बैलेंस शीट से आते हैं, ये बात कंपलसरी हमें दिमाग में रखनी होगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन सिस्टम हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने बैलेंस शीट में देखा राइट हैंड साइड पे सारी एसेट्स थी तो, और लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज और कैपिटल थी, ये हमें पता है कि दोनों साइड का टोटल बराबर, दिस मीन्स देर इज अ इक्वेशन, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी इक्वेशन से हम दो इक्वेशन और डेवलप कर सकते हैं, दिस मीन्स अगर हमने लाइबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन के बेस पे, जो कैपिटल यहाँ प्लस है इधर जाके क्या बन जाएगी माइनस, तो नेचुरली तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। सिमिलरली अगर हमने कैपिटल की वैल्यू निकालनी होगी, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज पता है, तो क्या होगा, लाइबिलिटी जो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ कैपिटल के साथ है प्लस है, उस साइड जाके लेफ्ट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगी, देन इक्वेशन विल बी दिस वन जो लास्ट में दिखाई है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्लियर? यस स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की ओर, दैट इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। बेस तैयार हो चुका है, अब इसको समझते हैं, विच इज वेरी इजी, अब आसान आ जाएगा। इट्स सच जर्नल एंट्री बाय विच द बैलेंसेज ऑफ डिफरेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ प्रीवियस ईयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ब्रॉट फॉरवर्ड इन द बुक्स ऑफ करंट ईयर। वही बात, ये वो जर्नल एंट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप की एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल जो पिछले साल की थी, प्रीवियस ईयर के थे, उनको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से ब्रॉड फॉरवर्ड आगे लेकर आया जाता है करंट ईयर की बुक्स में। इट इज पास्ट ओनली व्हेन बिजनेस इज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपनिंग जर्नल एंट्री केवल तभी पास की जाती है जब बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है भाई। अगर बिजनेस शुरू होता है तब ओपनिंग एंट्री नहीं होती, तब तो कैपिटल लेके आए, इन्वेस्ट कर दी, वो हम जानते हैं। अब क्या हुआ है, बिजनेस चल रहा है, पिछले साल के बैलेंसेस को आगे लेके आना है, तो क्या जो एंट्री डाली जाएगी, प्रीवियस
पिछले साल की प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से बैलेंस लेकर, एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बैलेंस लेकर, उस एंट्री को हम क्या कहेंगे? ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग एंट्री कहते हैं क्योंकि इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री क्या होती है इसको समझें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एसेट्स होते हैं हमें पता है उनके बैलेंस डेबिट होते हैं, तो सारे एसेट्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे? डेबिट। अलग अलग दिखाएंगे सारी एसेट्स। इसी तरह से सारी लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्या कर देंगे हम? क्रेडिट। ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट इकट्ठे नहीं दिखाएंगे, सबको अलग अलग, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं। और कैपिटल को भी क्या दिखाएंगे हम? अलग से क्रेडिट। क्लियर? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इंडिविजुअली, ये मैंने आपको बताया कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल नहीं दिखाना, कंबाइंड अलग अलग दिखाना है इंडिविजुअली उनको। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हमने उन बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड मतलब आगे लेके आए हैं करंट ईयर में। करंट ईयर होता है जो साल चल रहा है, समझ आई ये बात? नेक्स्ट वन, इसको हम और आसान बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। पहले ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, सो बैलेंसेस फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ एनी बिजनेस फ्रॉम लास्ट ईयर बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर और फॉर द करंट ईयर। ये मैंने आपको बता दिया, पिछले साल के जो बैलेंसेस हैं करंट ईयर में वो क्या बन जाते हैं? ओपनिंग बैलेंस है। जस्ट सी दिस एग्जाम्पल, लेट ऑन 1 अप्रैल 2020 द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस रिकॉर्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। बैलेंस दिए हुए हैं, ओपनिंग जर्नल एंट्री बनाओ। क्या दिया हुआ है? कैश, बैंक, डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी की सारी एसेट्स हैं, भी ध्यान रखो। ये जो मैंने अंडर सर्कल की हैं, ये सारी की सारी एसेट्स। अब लाइबिलिटीज देखो, कैपिटल, क्रेडिटर्स, लोन ड्यू, ये सारी की सारी कैपिटल और ये सारी लाइबिलिटीज होगी बिजनेस की, समझ आया? अब नियम क्या है मैंने आपको बता दिया, ऑल द एसेट्स आर डेबिटेड, सारी एसेट्स के अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और सारी की सारी लाइबिलिटीज अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू क्रेडिटर टू लोन मीन्स क्या? क्रेडिट किया, सबके अमाउंट डाले। अमाउंट चेंज होते रहेंगे भी, अमाउंट आप जैसे क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंगली बन जाते हैं। अमाउंट की और यहाँ कंसंट्रेट मत करो, सिर्फ जब बैलेंस निकालना है तब देखेंगे दोनों साइड का टोटल बराबर। ध्यान से देखो, दोनों साइड का जब हमने जर्नल एंट्री की तो दोनों साइड का टोटल कितना आया हमारा? ध्यान से अगर हम इसको नोट करें, 22 लाख, 22 लाख। तो ये जो बैलेंस हो गए एसेट्स और लाइबिलिटी के, इसकी नरेशन भी लिखती बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। क्लियर? ये है भी ओपनिंग जर्नल एंट्री की एक एग्जांपल, जब हमें बैलेंस दिए थे हमने ओपनिंग एंट्री डाल दी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा भी केस हो सकते हैं भाई, ध्यान से, अभी तो गेम का असली हिस्सा बाकी है। यस स्टूडेंट, सी दिस अगेन, ये बैलेंस दिए हुए हैं, लेट ऑन 1 अप्रैल मैंने सेम क्वेश्चन उठाया लेकिन कुछ ड्राइव किया। क्या देखते हैं? कैश, बैंक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, पांच के पांच ये एसेट्स हैं बिजनेस की। क्रेडिटर्स एंड लोन ड्यू, ये बिजनेस की लाइबिलिटीज हैं। तो हमने जर्नल एंट्री डाली, सारे जो एसेट्स के अकाउंट है डेबिट, सारी लाइबिलिटीज के अकाउंट क्रेडिट। जब हमने इनको डाला तो हमारा एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल भी तो बराबर आना चाहिए। अब हमने रफली एक वर्किंग नोट बनाया, डेबिट टोटल 22 लाख, क्रेडिट टोटल जब दोनों लाइबिलिटीज को हमने ऐड किया क्रेडिट और लोन को, वो बना 10 लाख। बैलेंस कितना आ गया? डिफरेंस, बैलेंस नहीं है ये, डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया? 12 लाख। इतना डिफरेंस कहाँ गया अभी? यस, व्हाट एवर द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज व्हेन स्पेसिफिकली एसेट्स आर मोर देन कैपिटल देन सॉरी लाइबिलिटीज देन बैलेंस इज ट्रीटेड एज कैपिटल। जब भी एसेट्स का टोटल लाइबिलिटीज के टोटल से ज्यादा होगा, जो जितना डिफरेंस है उसको कैपिटल ट्रीट करते हैं। ये जगह मैंने ऐसे नहीं छोड़ी थी भी, इसी कारण छोड़ी थी ये जगह, ध्यान से देखो जो मैंने यहाँ पे छोड़ा है, टू डैश अकाउंट, डैश अकाउंट नहीं है ये, देखो ये समझाने के लिए है, यहाँ लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा 12 लाख का। और एंट्री क्या बन जाएगी ये देखिए अब। यस, दिस वन इज द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेटर्स, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज क्रेडिटर एंड लोन टू कैपिटल। वो जो 12 लाख का डिफरेंस था वो यहां पर लिखा, और ये बन गई कंप्लीट ओपनिंग जर्नल एंट्री। एग्जाम में हमें यही करके आनी होती है, ये वाली, ये नहीं कि दो दो डालेंगे। और कैपिटल अकाउंट को कोई रेड में नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, हाईलाइट करने के लिए। क्लियर हो गया ये?
जब भी एसेट्स लाइबिलिटी से ज्यादा जितना डिफरेंस होता है वो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट वन एक कंडीशन और देखते हैं, सेम बैलेंसेस दिए हैं, कैश बैंक डेटर्स मशीनरी, अमाउंट की तरफ ध्यान मत दो, अमाउंट चेंज है यहाँ पे 40, 50, 10 एंड 40,000। कैश बैंक डेटर्स एंड मशीनरी ये चार डेट एसेट्स, कैपिटल क्रेडिटर एंड लोन ये तीन के तीन लाइबिलिटीज एंड कैपिटल के बैलेंस। जर्नल एंट्री डाली हमने, वैसी सारी एसेट्स के अकाउंट को डेबिट किया, सारी लाइबिलिटीज के अकाउंट को क्रेडिट किया, टोटल किया तो एसेट्स का टोटल बन गया 1,40,000 और लाइबिलिटीज का टोटल बना 2,20,000। ओ बराबर नहीं है, बराबर आना चाहिए। टोटल एसेट्स इतनी, लाइबिलिटीज 2,20,000, डिफरेंस कितना आ गया 80,000। यस ये ध्यान रखें, जैसे जब लाइबिलिटीज का टोटल कम होता है एसेट से और एसेट्स का तो तब एसेट्स का टोटल ज्यादा हो तो हम उसको कैपिटल मानते थे। अब ध्यान रखो जब लाइबिलिटीज टोटल आर मोर देन द टोटल ऑफ एसेट्स देन द बैलेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल, तो हम उसको गुडविल मानते हैं। गुडविल बिजनेस की इनटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम छू नहीं सकते, लेकिन इसका वैल्यूएशन होती है, प्रसिद्धि, बिजनेस की फेमसनेस है, उसका जो ब्रांड है मार्केट में, जो उसका नाम चलता है, दैट इज गुडविल। ठीक है, ये इनटेंजिबल एसेट मानी जाती है, ध्यान रखना। अब जब लाइबिलिटीज का टोटल ज्यादा, एसेट्स का कम, तो डिफरेंस जो होता है वो गुडविल में जाता है। जब एसेट्स का टोटल ज्यादा, लाइबिलिटीज का कम, जो डिफरेंस जाता है वो कैपिटल को जाता है। ओके क्लियर। ये देखो फिर एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट बैंक, ये एंट्री है फिर वो, ध्यान से देखो, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट डेटर्स मशीनरी, ये सारे डेबिट। अब जैसे हमने पहले की एंट्रीज में जब एसेट्स का टोटल ज्यादा था कैपिटल डाली थी, अब यहाँ पे ये जो बैलेंस है यहाँ कहाँ जाएगा, गुडविल अकाउंट, ध्यान रखना। साथ में जब कैपिटल बैलेंस के रूप में आती है तब भी बैलेंसिंग फिगर लिखनी होती है, जब हमने गुडविल डाला है क्योंकि लाइबिलिटीज ज्यादा है, गुडविल को ट्रांसफर हुआ बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर लिखनी है क्योंकि ये अमाउंट हमने बैलेंस कैलकुलेट किया है। ओके कैसे किया आपको पता ही है, टोटल एसेट्स इतनी, नीचे दिया हुआ है ये वर्किंग नोट, एसेट्स लाइबिलिटीज और डिफरेंस हो गया 80,000 एज गुडविल। अब देखो दोनों साइड का टोटल बराबर, बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, साथ में यहां लिख सकते हो आप एंड बैलेंस ट्रीटेड एज गुडविल। ओके क्लियर। ये तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ कंक्लूसिव एंट्री आप जल्दी जल्दी करते हैं, अब तो काम आसान हो गया, सब कुछ समझ चुके हैं। कैश बैंक फर्नीचर डेटर्स ये तीन और ये डेटर, ये चारों होगी एसेट्स। बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर ये होगी लाइबिलिटीज, सारी एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट, डिफरेंस कितना आ गया 65,000, बिकॉज यहाँ देखो ध्यान से एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटी, तो बैलेंस क्या माना जाएगा कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया 65,000। ये नरेशन है, मुझे लगता है ये क्लियर। नेक्स्ट वन एक एंट्री और, कैश बैंक फर्नीचर डेटर्स ये सारी की सारी, चार की चार क्या है हमारे पास एसेट्स, बिल्स पेबल क्रेडिटर एंड कैपिटल ये हमारे पास लाइबिलिटीज, एसेट्स के अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज के अकाउंट क्रेडिट, क्लियर हो गया। अब इनका रफली टोटल करके देख लेना, अभी बराबर आ गया तब तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन टोटल करना बड़ा जरूरी है। एसेट्स का टोटल 1,50,000, लाइबिलिटी का 160,000, डिफरेंस क्या आ गया 10,000 का, क्या ज्यादा होगी लाइबिलिटी ज्यादा होगी, तो डिफरेंस किसको ट्रांसफर होगा गुडविल को, ध्यान रखना। बीएफ का मतलब बैलेंसिंग फिगर है ये, 10,000 दिया नहीं हुआ, ये बैलेंसिंग फिगर है या क्योंकि बैलेंस नहीं मिल रहे थे आपस में। हाँ जी स्टूडेंट, आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर। जब एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हमने बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड किया दोनों का टोटल बराबर आ रहा है, तो दोनों के एसेट्स और लाइबिलिटीज डेबिट क्रेडिट डालकर ओपनिंग जर्नल एंट्री बन जाती है। अगर एसेट्स का टोटल ज्यादा, लाइबिलिटी का कम, जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल अकाउंट को जाता है, और अगर लाइबिलिटी का टोटल ज्यादा और एसेट्स का कम, जो डिफरेंस होता है वो गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ध्यान रखना ये बात। क्लियर हो गया? यस आई थिंक इट्स ऑल क्लियर नाउ। एक और कंक्लूसिव एंट्री है, इसमें वही चीज है, कैश बैंक फर्नीचर डेटर्स चारों दिए हुए हैं, ये एसेट्स ये लाइव।
Yes, student, I think the whole content is quite clear. If you have any doubt, just give your comment in under given comment box. I will try to answer you even there. वहाँ पर भी आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा. आज की वीडियो के जो हमने बात की उसकी रिकैपिटुलेशन जस्ट इन ब्रीफ, हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल ईयर क्या है, फिर हमने डिस्कस किया बैलेंस शीट के बैलेंसेस जो जरूरी होते हैं नेक्स्ट ईयर में, उसको कैसे लेके जाते हैं, उसके लिए जो एंट्री डाली जाती है दैट इज ओपनिंग जनरल एंट्री. ओपनिंग जनरल एंट्री को फिर हमने विद एग्जाम्पल्स प्रॉपरली डिस्कस किया. आई थिंक ऑल द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. बहुत जल्द आपके साथ एक नई वीडियो यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ. एक वेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके आपको बताना चाहता हूँ, मेरी वीडियो ये 15वीं वीडियो है, 15th वीडियो के साथ. जनरली ऐसा लिखा होता है 14th EP जो EP है वो इंग्लिश और पंजाबी मीडियम का कॉम्बो, और जो EH है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कंबाइंड रूप के स्टूडेंट्स जो हैं उस मीडियम के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वीडियो रखी गई हैं. तो बड़ी जल्द एक नई वीडियो आपके साथ, इंतजार कीजिए. तब तक थैंक यू वेरी मच.